डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर बेसिकली हम लोग डिफरेंशिएशन के बारे में कमेंट करते हैं, मतलब लाइक काफी सारे क्वेश्चंस में क्या करते हो, आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देते हो, ठीक है, लेकिन कोई भी कर्व है उसका ऑलवेज डिफरेंशिएबल होना या फिर डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करेगा ये पॉसिबल नहीं होता है। सपोज करो कोई क्वेश्चन है, दिस फंक्शन है बहुत ही सिंपल, मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वन प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस थ्री, ठीक है, क्वेश्चन है एट एक्स इज इक्वल टू वन, इसका डिफरेंशिएशन क्या आना चाहिए बोलो। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वन प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस थ्री, तो एट एक्स इज इक्वल टू वन इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा बताओ। डेफिनेटली नॉट डिफाइंड, क्योंकि तुम्हें समझ में आ रहा है ना एक्स इज इक्वल टू वन और एक्स इज इक्वल टू थ्री पे क्या आने वाले हैं। शार्प पॉइंट्स, शार्प पॉइंट्स। हाँ, मतलब वी शेप नहीं बोलोगे लेकिन डेफिनेटली शार्प पॉइंट, वन और थ्री इसका स्ट्रक्चर बनेगा लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ पे एट एक्स इज इक्वल टू वन और एक्स इज इक्वल टू थ्री क्लियरली इसका डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, शार्प पॉइंट है, यानी कि फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल। ओके, कल हम लोगों ने ये स्टडी किया था, लाइक सपोज करो ये पॉइंट है बी, दिख रहा है आप लोगों को काफी दूर है ये दोनों पॉइंट्स, डेफिनेटली ये है कॉर्ड, और इस कॉर्ड का स्लोप होगा वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, यानी एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए या फिर एक्स टू माइनस एक्स वन। सपोज करो पॉइंट बी ये टेंड कर रहा है अभी एक ही तरफ, सच दैट ये करीब आ गया यहाँ पे, और फाइनली इसका जो लेंथ है वो हो गया जीरो। तो अभी ये जो कॉर्ड है ये बेसिकली टेंजेंट बन गया, अभी पॉइंट बी ए के राइट साइड से अप्रोच कर रहा है। सपोज करो एक का एक्स कोऑर्डिनेट है ए और ये डिस्टेंस है काफी कम स्मॉल एच और बहुत ही कम है, मतलब टेंडिंग टू जीरो प्लस, तो बी का एक्स कोऑर्डिनेट वी कैन राइट ए प्लस एच और वाई कोऑर्डिनेट एफ ऑफ ए प्लस एच। अगेन अभी इसका स्लोप हो गया वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, यानी एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन, हाँ, ए प्लस एच माइनस ए, ठीक, एक मिनट जस्ट। ओके, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, सो ए प्लस एच माइनस ए और ए कैंसिल, यानी कि एच। तो ये राइट हैंड डेरिवेटिव का एक्सप्रेशन है, कल काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया था। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में क्या होता है, पॉइंट बी राइट लेफ्ट साइड से अप्रोच करता है। सपोज करो अगेन इसका एक्स कोऑर्डिनेट है ए, ये डिस्टेंस है एच, तो ये पॉइंट क्या आएगा बोलो। ए माइनस एच, ए माइनस एच। इसका वाई कोऑर्डिनेट विल बी एफ ऑफ ए माइनस एच, अगेन टू पॉइंट फॉर्म से इसका स्लोप वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, यानी एफ ऑफ ए माइनस एच वाई टू माइनस वाई वन एफ ऑफ ए अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, ए और ए कैंसिल। तो बेसिकली यहाँ पे जो राइट हैंड डेरिवेटिव का एक्सप्रेशन है इसमें आप प्लस एच के प्लेस पे क्या यूज करोगे, ठीक, माइनस एच। तो इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, मतलब लेफ्ट साइड से डिफरेंशिएशन, ठीक है। अभी एक फंक्शन फंक्शन टू बी डिफरेंशियबल एट एक्स इज इक्वल टू ए, उसके लेफ्ट साइड पे जो स्लोप आ रहा है और उसके जो राइट साइड में स्लोप आ रहा है दोनों शुड बी सेम। हाँ, और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि डिफरेंशियबिलिटी के लिए सेम तो है, अच्छी बात है, लेकिन ये फाइनाइट भी होना चाहिए, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का एक्सप्रेशन है, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट ये, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, ये भी तुम लोग को इजीली समझ में आ रहा होगा, ये है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और क्लियरली x पता नहीं कौन सा पॉइंट है, कुछ फिक्स पॉइंट नहीं है, लेकिन इतना कंफर्म है कि एक्सटेंडिंग टू, हाँ, मतलब ये जो पॉइंट b है ये एक ही तरफ टेंड कर रहा है, तो धीरे धीरे ये कॉर्ड फाइनली क्या बन जाएगा, टेंजेंट। बिल्कुल ठीक है। एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशियबल एट एक्स इज इक्वल टू ए, देन ये कल बता दिया था यार सारी चीजें ना, मतलब डिफरेंशियबल है और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव सेम फाइनाइट, तो यही होता है डिफरेंशिएशन। लेकिन क्योंकि फाइनाइट वैल्यू आती है तो तुम हमेशा ही बोल सकते हो कि सपोज करो कोई फंक्शन डिफरेंशियबल है तो डेफिनेटली एक टेंजेंट एग्जिस्ट करेगा वहां पे ऑफ फाइनाइट टेंजेंट, स्लोप।
सपोज करो स्टेटमेंट है दिस, इफ आर टेंजेंट एग्जिस्ट एट एक्स इज इक्वल टू ए, टेंजेंट एग्जिस्ट, ऐसा नहीं है वहां पे कि फाइनाइट टेंजेंट एग्जिस्ट, ऐसा नहीं है, जस्ट आर टेंजेंट एग्जिस्ट एट एक्स इज इक्वल टू ए, देन एफ ऑफ एक्स मस्ट बी डिफरेंशिएबल, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। हाँ, क्या इशू आता है यहाँ पे? इनफाइनाइट जो भी हो सकता है उसमें टेंजेंट का, लेकिन इनफाइनाइट स्लोप डिफरेंशिएबिलिटी में यूज नहीं करते। ठीक है, फिर हम लोगों ने किए थे काफी सारे क्वेश्चंस, एक पॉइंट ये देख लेते हैं, फंक्शन विल नॉट बी डिफरेंशिएबल बिकॉज ऑफ, या तो क्या मिले वहां पे, शार्प पॉइंट, या फिर फंक्शन डिस्कंटीन्यूअस में होता है क्या एफ ऑफ, भाई आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, देखो कंटिन्यूटी के लिए पॉइंट पे वैल्यू लेफ्ट और राइट तीनों शुड बी सेम, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस है तो या तो वहां पे एफ ऑफ ए और इसका राइट हैंड लिमिट ये सेम नहीं आ रहा होगा, या फिर एफ ऑफ ए माइनस एच के इक्वल नहीं होगा, या फिर एफ ऑफ ए प्लस एच इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए माइनस एच, इन तीनों ही केसेस के अंदर यहाँ पे देखो ये बताया था कल एक्सप्लेनेशन में, इस जगह पे जो आपका फॉर्म बनेगा दैट विल बी नॉन जीरो अपॉन जीरो, हाँ, और फिर इसका वैल्यू आएगा कितना, इनफाइनाइट, बिल्कुल ठीक है। बाकी सपोज करो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों फाइनाइट आता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव बोथ आर फाइनाइट बट नॉट इक्वल, ठीक है, फाइनाइट भी है और इक्वल भी है, देन डेफिनेटली स्मूथ कर्व यानी कि डिफरेंशियबल एंड कंटीन्यूअस, लेकिन फाइनाइट है, ठीक है, ओके, बट इक्वल नहीं है तो डेफिनेटली नॉट डिफरेंशियबल, बट दोनों वैल्यूज फाइनाइट है 100%, शार्प पॉइंट, हाँ, शार्प पॉइंट और कंटीन्यूअस, ठीक है, ओके, if any one of LHD and RHD or both infinite then function will not be differentiable must be discontinuous, okay, फिर हम लोगों ने किए थे काफी सारे questions, find out a and b so that f of x is differentiable, तो basically आपको दो equations बनाने होते हैं, first equation of continuity, second equation differentiability, एक point ये important है, if RHD and LHD is calculated by direct differentiation, मतलब आप RHD और LHD के एक्सप्रेशन को यूज नहीं कर रहे हो, आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट ही कर रहे हो, देन वी हैव टू चेक कंटिन्यूटी, ठीक है, स्टार्टिंग में आपको कंटिन्यूटी चेक करना है और फिर डायरेक्ट डिफरेंशिएशन, ओके, तो कल इस पे काफी सारे क्वेश्चंस हो गए थे, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन में डाउट है आप लोग पूछ सकते हो, फिर लास्ट में क्वेश्चन हम लोगों ने किया था दिस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम एक्स स्क्वायर टू टू द पावर एक्स, ये है वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फिर यहां से टू टू द पावर एक्स, स्टार्टिंग में बड़ा इजीली आएगा, बाद में ग्राफ कंफ्यूज की करना क्या है, वहां पे इसको कट करके जाना है या फिर ऊपर से जाना है, तो टू टू द पावर एक्स हम लोगों ने देखा था एक्स इज इक्वल टू टू और एक्स इज इक्वल टू फोर, इन दोनों पे कट करेगा, और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ नॉट डिफरेंशियबल पॉइंट्स कितने आते हैं, फाइनली इंफिनिटी पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही ऊपर जाता है, ओके, ठीक है, सपोज करो सिचुएशन है दिस मैक्सिमम पोर्शन है या फिर मिनिमम भी, दोनों ही केसेस में नॉट डिफरेंशियबल पॉइंट्स, वन, ठीक है, यहाँ पे ये ग्राफ टच कर रहे हैं नॉट डिफरेंशियबल पॉइंट्स, वन, वन, फिर एक क्वेश्चन क्या था काफी क्लासिक, मैक्सिमम एक्स स्क्वायर और के टू द पावर एक्स, मतलब इन दोनों में से जो ग्राफ ऊपर है वो, फाइंड आउट मिनिमम वैल्यू ऑफ के, जैसे 2 टू द पावर x पे तो ये 3 प्लेसेस पे कट कर रहा था यानी कि 3 नॉट डिफरेंशिएबल पॉइंट्स, 3 टू द पावर x पे डायरेक्ट ऊपर, मतलब 2 और 3 के बीच में ही ये ग्राफ कहीं पे टच करना स्टार्ट हो गया होगा, और जब ये टच करेगा तो वहां पे नॉट डिफरेंशिएबल पॉइंट्स कितने मिलेंगे आपको, 1 मिनट, ठीक है, तो फाइंड आउट मिनिमम वैल्यू ऑफ k सो दैट f ऑफ x विल नॉट बी डिफरेंशिएबल एट मैक्सिमम 1 पॉइंट, ठीक है, तो बेसिकली दोनों ग्राफ कर रहे हैं टच, दो इक्वेशंस बनती हैं, फर्स्ट इक्वेशन स्लोप सेम, हाँ मतलब एक ही बात है, वैल्यू सेम और सेकंड स्लोप सेम, आप इस टचिंग पॉइंट को कंसीडर करते हो अल्फा, दोनों में पुट करोगे और एक बार दोनों को डिफरेंशिएट करोगे, फिर कुछ भी करके आपको फाइनली फाइंड करना था k, और आंसर आता है यहां पे k इज इक्वल टू e to the power 2 by e, और almost e value आती है 2.07, सही, तो यहां तक लास्ट लेक्चर में कंप्लीट हो गया था, अभी
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन कॉमा सिक्स एक्स माइनस टू. काफी क्लासिक क्वेश्चन है और काफी इजी क्वेश्चन है. फाइंड आउट नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशियबल. अच्छा क्वेश्चन ये रहा होता कि फाइंड आउट नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, तो क्या आंसर आना चाहिए? ये कर्व लग रहा है आपको, कहीं पे डिसकंटिन्यूअस हो सकता है? नहीं. हाँ तो यार वो कॉमन सेंस से ही आती है चीजें. इसमें ऐसा कुछ है नहीं जो प्रॉब्लम क्रिएट करे, लाइक ग्रेटेस्ट पार्ट या डिवाइड में कुछ या फ्रैक्शनल पार्ट, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें, है ना? तो फंक्शन डेफिनेटली कंटिन्यूअस ही आने वाला है. बस आपको ये चेक करना है कि वहां पे शार्प पॉइंट्स या फिर ऐसे पॉइंट जिन पे स्लोप है इन्फिनिटी वो कितने हैं. जनरली स्लोप इन्फिनिटी आता है सेमी सर्कल में, बाकी और नहीं आता यार, है ना? या फिर एक्स टू द पावर 1/3 वाला ग्राफ बने. ठीक है, तो ये है अभी x cube plus x square plus x plus 1 cubic और ये है 6x minus 2 यानी कि just एक straight line. Okay, start करते हैं. तो x cube plus x square plus x plus 1 ये graph plot करोगे, 3 degree है, x is equal to minus infinity पर कितना value आ रहा है? Minus infinity. X is equal to infinity पे? Infinity. हाँ, और 0 पे है value 1. Shape check करने के लिए क्या करोगे बोलो? Differentiate. Differentiate is 3x square plus 2x plus 1. क्या comment करोगे इसमें बोलो? A positive, D negative. For every value of x belongs to R, ये expression है always positive. तो ये जो आपको दिख रहा है cubic, increase. हाँ, यहाँ पे slope infinity, यहाँ पे भी slope infinity pass करेगा this point से. एक काम और करते हैं, एक इसका जो है क्या बोलते हैं उसको, जहाँ पे concavity change होता है. Like obviously बात है, this point और this point को आप join करते हो तो कहीं तो तुम्हें अपना हाथ turn करना पड़ेगा. और जहां पे आठ टर्न होता है उसी को हम लोग क्या बोलते थे, इन्फ्लेक्शन पॉइंट. वहां पे एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो और इसका साइन भी चेंज. ठीक है, तो एफ डबल डैश एक्स यानी कि 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1/3. बेसिकली ग्राफ बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं इसमें, ना? तो x इज इक्वल टू -1/3, यहां कहीं पे इसका कॉन्केविटी होगा चेंज. एक काम करते हैं, एक रफ टाइप का ग्राफ बना देते हैं. रफ क्या, आप तो ऑलमोस्ट एग्जैक्ट ग्राफ ही हो गया. ठीक है, इस तरीके से कुछ ग्राफ बनाना. सेकेंड दिस, ये है सिंपल स्ट्रेट लाइन, x इज इक्वल टू 0 पुट करो, y इज इक्वल टू -2. y is equal to 0, x is equal to 1/3 plus 1/3. ठीक है, अगेन क्या प्रॉब्लम आने वाला है यहाँ पे वो तुम्हें क्लियर हो रहा होगा. जैसे ग्राफ है दिस, आप ड्रॉ कर रहे हो अभी स्ट्रेट लाइन, सपोज करो यार बनता है दिस तरीके से. आपको फाइनली मार्क करना है मैक्सिमम पोर्शन, यानी कि लेफ्ट साइड से स्टार्ट करोगे ग्राफ को रीड करना और जो पोर्शन ऊपर है वो मार्क करोगे. या तो सिचुएशन हो सकती है दिस, या फिर ये भी पॉसिबल है कि ये लाइन और ये ग्राफ टच कर जाए. हाँ, या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि दिस ग्राफ और दिस लाइन इंटरसेक्ट. बिल्कुल. मार्क करना है मैक्सिमम पोर्शन. क्या लगता है यहाँ पे नंबर ऑफ नॉट डिफरेंशियबल या शार्प पॉइंट्स की बात कर रहे हैं ना, शार्प पॉइंट्स कितने आ रहे हैं? 1. यहाँ पे 1. और यहाँ पे 3. ठीक है, तो देखो यार तुम एक चीज समझने का ट्राई करो, ये जो हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना, ये ग्राफ पेपर पे नहीं कर रहे हैं. ग्राफ पेपर पे तो एक्यूरेट ग्राफ ही बनेगा, यहाँ पे
हम लोग सारी चीजें ऑलमोस्ट आइडिया से ही बना रहे हैं। अभी मैं से रेंडम नहीं बना सकता लाइन को, पता नहीं है मेरे को कि लाइन का पोजीशन क्या है। ग्राफ पेपर पे बनाते तो एग्जैक्ट ग्राफ बनता आपका, यहाँ पे कुछ नहीं समझ आ रहा है किसको कट करना है यहाँ पे जा करके, या फिर टच करना है या फिर बिलो पास करना है। तो कैसे डिसाइड करोगे ये बताओ कि ये लाइन कौन सा लाइन, दिस लाइन और दिस कर्व, इनका रिलेटिव पोजीशन क्या रहने वाला है, कैसे डिसाइड करोगे? दोनों को इक्वेट करके सॉल्व करेंगे। 100% बिल्कुल करेक्ट है। ग्राफ के मीटिंग पॉइंट्स, मीटिंग पॉइंट्स बोलना बेस्ट है क्योंकि कैन बी इंटरसेक्शन पॉइंट्स और टचिंग पॉइंट, है ना। हाँ तो आशुतोष आप बोल रहे हो दोनों को इक्वेट करोगे, सॉल्व करोगे, आगे क्या करोगे फिर ये बताओ, मतलब क्या सिचुएशन हो सकती है आगे सॉल्व करने में? फिर अगर x की वैल्यू सॉल्व करके रियल नंबर सिर्फ एक आया तो फर्स्ट केस होगा, अगर टू रियल वैल्यू बोलने वाले हो कि एक फैक्टर सेपरेट रिमेनिंग होगा जस्ट एक क्वाड्रेटिक और उसका डी नेगेटिव, ऐसा कुछ? हाँ ठीक है, नहीं मतलब सर सॉल्व करेंगे जो आता है उससे तीनों केस में से कौन सा सेटिस्फाई करते हैं वो देखेंगे। नहीं मतलब इस केस का क्या आइडेंटिफिकेशन होगा इस केस का? इस केस में एक फैक्टर सेपरेट और दूसरा परफेक्ट स्क्वायर होगा। 100% करेक्ट है, मतलब एक रूट डिफरेंट आएगा बाकी दोनों रूट सेम आएंगे, सेम रिपीट करेंगे रूट्स। बेस्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। तो ये हो गया दिस, नाउ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर और इसको लेफ्ट साइड में, यानी कि दिस और दिस इज इक्वल टू जीरो। कोई भी एक नंबर जिससे ये वैल्यू जीरो आता है एक्स इज इक्वल टू वन, तो एक फैक्टर x माइनस वन सेपरेट, रिमेनिंग क्या आएगा देख लेते हैं। x स्क्वायर अभी ये हो गया x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस 2x देन माइनस 2x देन अगेन माइनस 3, और इसके फैक्टर्स फिर से क्या हो गए बोलो? x प्लस 3 आना चाहिए है ना, ठीक है। तो ये हो गया अभी x प्लस 3 इंटू x माइनस 1, होल स्क्वायर, यानी डेफिनेटली ये लाइन इसको टच करेगा एट पॉइंट x इज इक्वल टू 1 3 माइनस 1। हाँ बिल्कुल, इसका स्लोप और ज्यादा रखना पड़ेगा। करेक्ट है, मैक्सिमम यानी अबव पोर्शन। करेक्ट है, बिल्कुल सही। सो फाइनली एफ ऑफ एक्स विल नॉट बी डिफरेंशिएबल एट ओनली वन पॉइंट, और वो पॉइंट है एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री। करेक्ट, बिल्कुल सही है, यही करते हैं यार, है ना, इनको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या सिचुएशन होगी, एग्जैक्टली वन रियल रूट, यहाँ पे थ्री रियल एंड डिफरेंट रूट्स, ग्राफ टच कर रहा है तो वन रूट और यहाँ पे रूट्स रिपीट। ओके, इस क्वेश्चन में कोई डाउट है किसी को बोलो? काफी अच्छा क्वेश्चन था और सिंपल जस्ट सॉल्व करके हम लोगों ने चेक कर लिया बेसिकली, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। f of x is equal to maximum p of x q of x, मतलब दो ग्राफ है p of x और q of x, उनके बारे में इंफॉर्मेशन अभी इस क्वेश्चन में है गिवन। p of x एंड q of x आर डिफरेंशिएबल, मतलब वो लोग अपने आप में डिफरेंशिएबल हैं, वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे सपोज करो ये है p of x, ये है q of x, तो p of x अपने आप में डिफरेंशिएबल है, स्मूथ कर्व है, q of x अपने आप में डिफरेंशिएबल है, स्मूथ कर्व है।
बस प्रॉब्लम कहाँ पे क्रिएट हो रहा है, जहां पे ये लोग इंटरसेक्ट वगैरह कर रहे हैं, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम पी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स, ये दोनों है आपस में डिफरेंशिएबल, ठीक है। इंफॉर्मेशन गिवन है आपको दिस, वेयर पी ऑफ एक्स माइनस क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू होल स्क्वायर एक्स माइनस थ्री होल क्यूब इंटू एक्स माइनस फोर। डिस्कस डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एफ ऑफ एक्स। क्या लगता है क्या आंसर आना चाहिए, कितने पॉइंट्स पे नॉट डिफरेंशिएबल है? फोर पॉइंट्स पे। फोर पॉइंट्स कैसे आंसर आ रहा है? देखो अगेन यार, तुमने जो बोला था ना वही वही लॉजिक है सेम। तुमने यहाँ पे ही बोला था कि सर इन दोनों को सॉल्व कर लो, इन दोनों को सॉल्व करने के बाद पोजीशन ये आ गया, एक परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब बैक एंड पे रूट्स रिपीट हो रहे हैं, और जहां पे रूट्स रिपीट होते हैं वहां पे ग्राफ टच करते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये रूट रिपीट नहीं हो रहा था, मतलब ये इंटरसेक्शन पॉइंट, सॉरी ये इंटरसेक्शन पॉइंट है और ये टचिंग। हाँ बिल्कुल, इंटरसेक्शन पॉइंट एंड दिस इज टचिंग पॉइंट। ठीक है, सेम लॉजिक यहां पे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम पी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स फॉर मीटिंग पॉइंट्स ऑफ p of x एंड q of x, आप दोनों को सॉल्व करोगे, यानी p of x is equal to q of x। बिल्कुल सही बात है। अब देख लो यार, p of x is equal to q of x का मतलब यही हो गया ना कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड जीरो। हाँ बिल्कुल, तो x is equal to कितना आ रहा है बोलो? जीरो जीरो वन देन टू टू X is equal to 0, 1 and 4 are non-repetitive roots. यानी ये लोग हैं इंटरसेक्शन पॉइंट्स। इंटरसेक्शन पॉइंट का मतलब वहां पे दोनों कर्व के स्लोप डिफरेंट आ रहे होंगे यार, है ना। टचिंग पॉइंट का यही स्पेशलिटी होता है, वैल्यू भी सेम स्लोप भी सेम। इंटरसेक्शन पॉइंट में वैल्यू सेम बट स्लोप डिफरेंट, ठीक है। और x इज इक्वल टू 2 एंड 3 टचिंग पॉइंट, वो लिख दिया ऑलरेडी, टचिंग पॉइंट्स है। तो दिस फंक्शन f ऑफ x will not be differentiable at 3 points. Correct. काफी सिंपल क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा माइंड में रखना आप लोग कि जो लोग रूट्स रिपीट होता है ना वो टचिंग पॉइंट होते हैं, वहां पे फंक्शन फर्स्ट क्लास स्मूथ होता है। इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं, आइडेंटिफाई कैसे करोगे, वो रूट आपको एक ही बार मिलेगा, ठीक है। तो वहां पे स्लोप डिफरेंट, शार्प पॉइंट नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। कोई डाउट है इसमें बोलो? नहीं नहीं। बाकी देखो यार, बैक एंड पे क्या चल रहा है वो समझ सकते हो आप लोग इसको देख के। जैसे ये है p of x minus q of x, x x minus 1 x minus 2 whole square x minus 3 whole cube और x minus 4, ठीक है। काम करते हैं इसको, p of x को ब्लैक से मार्क करते हैं और q of x इसको ब्लू मार्क करते हैं। अच्छा, इनके क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आ रहे हैं? जीरो वन, टू क्रिटिकल पॉइंट नहीं है क्योंकि टू स्क्वायर है,
साइन चेंज नहीं होगा उनपे। थ्री फोर साइन कन्वेंशन प्लस माइनस, हाँ ठीक है। एक पॉइंट और, फोर के राइट साइड में दिस एक्सप्रेशन पॉजिटिव, यानी पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन क्यू ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स बिल्कुल सही है। जीरो वन और यहाँ पे कहीं पे थ्री थे, प्लस माइनस इस पूरे रीजन में है प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, बीच में एक बार जीरो होगा कहाँ पे, टू। एक चीज और, पॉजिटिव यानी कि पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन क्यू ऑफ एक्स, नेगेटिव पी ऑफ एक्स लेस देन जीरो, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स, ठीक है। समझने का ट्राई करना, फोर के राइट साइड में एक्सप्रेशन पॉजिटिव यानी ये पी ऑफ एक्स ऊपर, कोई भी रेंडम ग्राफ बना दो, और वैसे भी ठीक है कुछ भी रेंडम बना रहा है, मेन पर्पस है इंटरसेक्शन पॉइंट और टचिंग पॉइंट को शो करना बस, ठीक है। सपोज करो इस तरीके से कुछ पी ऑफ एक्स है, क्यू ऑफ एक्स डेफिनेटली इसके बिलो होगा, और एक्स इज इक्वल टू फोर पे दोनों लोग इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसमें कुछ बना दो आप, कुछ ऐसा इस तरीके से बना दो, ओके। थ्री टू फोर एक्सप्रेशन नेगेटिव, यानी अभी ऊपर है ब्लू और ब्लैक, ब्लू ठीक है, और ये ग्राफ बिलो, अगेन दोनों लोग कहां पे मीट कर रहे हैं, थ्री पे, एक्स इज इक्वल टू थ्री पे वैल्यू है जीरो, ओके। टू टू थ्री या फिर टू टू थ्री क्या, इस पूरे पोर्शन में एक्सप्रेशन of x greater than q of x, हाँ मतलब p of x greater than q of x, again p of x वाला ग्राफ ऊपर आएगा, लेकिन अभी एक चीज ध्यान रखना, x is equal to 4 ये नॉन रिपीटेटिव रूट है, यहाँ पे कट करना था आपको, और ये टच करते हुए ऊपर आएगा। अब जैसे एक पॉइंट समझने का ट्राई करो थोड़ा सा, है ना, जैसे इस तरीके से ये सिचुएशन है, और एक ये सिचुएशन है, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस समझ आ रहा होगा आप लोगों को, यहां पे भी ब्लू जो ग्राफ है ये मतलब राइट से देखोगे ना, राइट से तो ये पहले ग्राफ ऊपर था फिर ये बिलो हो गया, अभी यहाँ पे भी ये ग्राफ पहले ऊपर था फिर ये बिलो हो गया, लेकिन ये इंटरसेक्शन पॉइंट है और ये चेंज पॉइंट, ठीक है, क्योंकि वहां पे रूट्स रिपीट कर रहे हैं, बस इतना ही आइडेंटिफिकेशन है, ओके। तो टू टू थ्री में ये ब्लैक वाला ग्राफ यानी कि पी ऑफ एक्स ये पोर्शन आना चाहिए ऊपर, एंड दिस पोर्शन बिलो, ठीक है। अगेन दोनों लोग कहां पे मीट करेंगे बोलो, x इज इक्वल टू ऊपर, बिल्कुल ठीक है, टच करेंगे, बिल्कुल। वन टू टू में पोर्शन पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन, करेक्ट है, वापस से फंक्शन नीचे। अभी नेक्स्ट कहां पे मीट करने वाले हैं लोग बोलो, एक्स इज इक्वल टू वन, और यहाँ पे इंटरसेक्शन डेफिनेटली, क्योंकि वो रिपीटेड रूट नहीं आ रहा है, तो इसको इंटरसेक्ट कर देते हैं पहले,
ठीक है, 0 to 1 में पोर्शन नेगेटिव, यानी क्यू ऑफ एक्स वाला ग्राफ ऊपर, ये क्लियर? नेक्स्ट इंटरसेक्शन पॉइंट, जीरो, जीरो के लेफ्ट साइड में एक्सप्रेशन टू पी ऑफ एक्स, यानी ये ब्लैक वाला ग्राफ ऊपर आएगा, तो इस तरीके से कुछ पोजीशन आ रहा होगा। अभी आपको शो करना था इसके अंदर मैक्सिमम पोर्शन, ठीक है? तो मैक्सिमम का मतलब ये हो गया, लेफ्ट साइड से ग्राफ को रीड करना स्टार्ट करो और ऊपर वाला ग्राफ मार्क कर दो। कितने शार्प पॉइंट्स देख रहे हैं बोलो? थ्री एट एक्स इज इक्वल टू 0, 1 एंड 4। तो बैक एंड पे ये सिचुएशन चल रहा है, इतना करना जरूरी नहीं होता, बस इतना आइडेंटिफाई करो कि कौन से लोग कौन रिपीटेड रूट्स हैं और कहां पे रिपीटेड रूट्स हैं। जो रिपीटेड रूट्स होते हैं वहां पे ग्राफ डिफरेंशिएबल ही होता है स्मूथ कर, ठीक है? कोई भी रूट रिपीट नहीं हो रहा है वहां पे इंटरसेक्शन, और जहां पे इंटरसेक्शन वहीं पे शार्प पॉइंट। नेक्स्ट एग्जांपल, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम पी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स, या जेई वालों के फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं ये, ना? तुम प्रीवियस ईयर्स में देखोगे तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे सेम इसी पैटर्न पे, उसे इतना आइडेंटिफाई करना है रिपीटेड और नॉन रिपीटेड नोड्स। सो मैक्सिमम पी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स आर इटसेल्फ डिफरेंशिएबल। अच्छा, तुम्हें क्लियर हो रहा है ना इसका क्या यूज है इस इंफॉर्मेशन का? हाँ सर। क्या यूज है बोलो? इसका मतलब वो दोनों अपने आप कंटिन्यूअस है। हाँ, मतलब वो लोग अपने आप में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहे हैं यार, बहुत ही कैजुअल सी चीजें हैं सारी, ऐसा कोई बहुत दिमाग लगाने वाला पॉइंट नहीं है, ठीक है? बहुत ही कैजुअल तरीके से समझो, पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल मतलब ये लोग अपने आप में ठीक है, बस जहाँ पे इंटरसेक्ट वगैरह कर रहे हैं बस वहीं पे चेक करना है, उनमें अपने आप में कुछ गड़बड़ नहीं है। पता लगा कि ये ही हर जगह पे कई जगह पे डिसकंटिन्यूअस हो रहा है एफ ऑफ एक्स, ऐसा कुछ नहीं है वहां पे। तो एफ ऑफ एक्स मैक्सिमम पी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स, ठीक है, ये दोनों है डिफरेंशिएबल, लेकिन इन्फॉर्मेशन गिवन है दिस एक्स इनटू ई टू द पावर एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू का कोई भी नंबर एक से थ्री। अच्छा, ये मत सोचना कि क्यूब है रिपीटेड रूट नहीं होता, क्यूब भी रिपीटेड रूट ही है, और पावर इवन नंबर में है वो भी रिपीटेड रूट है, बस वो साइन चेंज में यूज नहीं होता है। ये क्वेश्चन एक पॉइंट और, मॉडुलस डिसकंटिन्यूटी क्रिएट नहीं करते हैं लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, क्योंकि वो लोग शार्प पॉइंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? तो ये क्वेश्चन है, आपको जस्ट इतना देखना है रिपीटेड रूट और नॉन रिपीटेड रूट्स। तो x e टू द पावर x माइनस वन, देन है x माइनस टू होल क्यूब,
x माइनस फोर पावर है 4, ये हो गया x माइनस 5, मॉडुलस ऑफ a इंटू b, मॉडुलस a इंटू मॉडुलस b, यानी x माइनस 6 का मॉडुलस और x माइनस 7 का मॉडुलस और एक x माइनस 7 फैक्टर और, ठीक है, इसका रूट बोलो, जीरो, दिस फैक्टर का रूट, जीरो, हाँ, दिस फैक्टर का रूट, टू, यहाँ पे 4, तो अभी तक दिस, दिस और दिस, मतलब ये बेसिकली 2 2 2 है ना, लिखने का जरूरत नहीं है, दिख रहा है वहां पे, और इसका रूट है 5, दिस रूट ओनली 6, दिस रूट 7, ये रूट भी 7, ठीक है, तो नॉन रिपीटेटिव रूट्स कौन से जैसे इतना बताओ, 5 6 5 6, x इज इक्वल टू 5 and 6, तो काफी कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन दिख रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन है बहुत सिंपल, फाइनली f of x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट टू पॉइंट्स, ओनली 2 पॉइंट्स, x is equal to 5 and 6, ये इसका आंसर। सर, हाँ बोलो। सर 7 पे रिपीटेटिव है पर उस पे एक शार्प पॉइंट भी है ना? सही बोल रहे हो, इसको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में एक्सप्लेन करता हूँ, बिल्कुल। इसके अलावा कोई डाउट है बोलो। अच्छा यार, ये तो मैं डाउट आना चाहिए था, बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा कोई डाउट है इस वाले फैक्टर के अलावा? नहीं सर। ठीक है, जो तुम बोल रहे हो वही डिस्कस कर रहे हैं ना। f of x suppose करो this, definitely graph this और one sharp point, x is equal to 7, ठीक है, question है this, modulus not differentiable at x is equal to 0, one sharp point और x इज इक्वल टू 0, ठीक है, क्वेश्चन है दिस, x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, इसको इक्वल टू 0 करोगे, रूट्स विल बी x इज इक्वल टू 3 and 4, तो 3 और 4 पे ग्राफ करेगा कट, फिर जाएगा नीचे, फाइनली कंप्लीट फंक्शन का मॉडुलस, यानी कि जो पोर्शन एक्स एक्सिस के ऊपर है वो एज इट इज और बिलो पोर्शन का मिरर मिरर इमेज, ठीक है, यानी फाइनल सिचुएशन विल बी दिस, शार्प पॉइंट्स 2, हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन है ये, जो तुम्हें डाउट पूछा है उससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स पॉसिबल हो सकते हैं वो सब कवर करने का ट्राई कर रहे हैं। अगेन इनको लर्न करने मत बैठ जाना है ना, लर्न नहीं किया जाता है इसमें कुछ भी। क्वेश्चन है ये, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, एक्स इज इक्वल टू, क्या लगता है x is equal to 2 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल और नॉट डिफरेंशिएबल? चलो ये तो इजी क्वेश्चन है वैसे भी यार, है ना, ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर ही लिखा हुआ है और ये स्क्वायर के मॉडुलस को आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, तो सेम एज x माइनस 2, हाँ ग्राफ बनेगा लाइक दिस, always positive differentiable, ठीक है, ये बताओ x square plus 3x plus 4 का modulus, इसमें कोई रूट आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, a पॉजिटिव d नेगेटिव ऑलवेज,
पॉजिटिव पॉजिटिव ग्रेटेस्ट पार्ट के अंदर इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर नंबर जीरो से वन, मॉड के अंदर पॉजिटिव, तो इनमें इन ऑपरेटर्स का कोई भी यूज नहीं होता है। ठीक है, तो इसको आप सेम एज एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फोर, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, ऑलवेज डिफरेंशियल। ठीक है, अब आते हैं मुद्दे की बात मेन। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू मॉड एक्स। आज तो ऐसे ही कुछ डाउट था? हाँ सर। ठीक है, तो अगेन मॉडुलस फंक्शंस हैं, वो कंटिन्यूस ही होते हैं, ऑलवेज शार्प पॉइंट प्रोवाइड करते हैं, सही बात है। लेकिन यहाँ पे शार्प पॉइंट नहीं आएगा यार, वैसे तो इस केवल इतना पोर्शन रहा होता ना, डेफिनेटली शार्प पॉइंट आता। ये और ऐसा रहा होता 100% शार्प पॉइंट आता, एक्स इज इक्वल टू जीरो। हाँ, लेकिन अभी है दिस, कोइंसिडेंटली इन दोनों का जो जीरो बनने का पॉसिबिलिटी है वो सेम ही है। तुम इसका ग्राफ बनाओगे ना, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, सपोज करो एक्स है पॉजिटिव या ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, मॉड ओपन एज इट इज, और एक्स नेगेटिव है तो ओपन विद नेगेटिव साइन। ठीक है, तो ये होता है वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और एक्सेप्टेबल है ओनली फोर पॉजिटिव। हाँ, मतलब पॉजिटिव एक्स पे। ठीक है, एंड दिस इज वाई इज इक्वल टू माइनस माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर, फोर एक्स लेस देन जीरो, नो शार्प। क्लियर? हाँ सर। अभी जैसे केवल क्वेश्चन ये रहा होता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस सेवन मॉडुलस इंटू एक्स माइनस सेवन, एफ ऑफ एक्स ऑलवेज डिफरेंशिएबल। नो, अगेन इसका आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो सेवन के राइट साइड में एक्स माइनस सेवन का स्क्वायर, सेवन के लेफ्ट साइड में माइनस ऑफ एक्स माइनस सेवन का स्क्वायर, समझ गए? हाँ। लेकिन सिचुएशन सपोज करो ऐसे कुछ है, एक्स माइनस टू मॉडुलस इंटू एक्स माइनस वन, शार्प पॉइंट एट एक्स इज इक्वल टू 100% आएगा, ग्राफ बना करके आप चेक कर सकते हो इजीली। ठीक है, 2 के राइट साइड में तो ये एक्सप्रेशन है दिस x माइनस टू इंटू एक्स माइनस वन, 2 के लेफ्ट साइड में ये एक्सप्रेशन बनेगा दिस। देखो कंटिन्यूस है दोनों यार, है ना, दोनों ही कंटिन्यूस है, देखा जाता है। x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एक्सप्रेशन है दिस, x माइनस टू इंटू एक्स माइनस वन, और x लेस देन 2 एक्सप्रेशन है दिस, माइनस ऑफ x माइनस 2 इंटू x माइनस 1। ठीक है, x इज इक्वल टू 2 पे दोनों का वैल्यू हाँ मतलब सेम, और सपोज करो आप इसको डिफरेंशिएट करके x इज इक्वल टू 2 पुट करते हो, देखो जीरो आ गया ना, तब तो सेम हो सकता है, जीरो आएगा नहीं वैसे, इसको डिफरेंशिएट करो कितना आता है, दिस इज x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, यानी कि 2x माइनस 3, x इज इक्वल टू 2 पे कितना डिफरेंशिएशन आ रहा है 1, यहाँ पे रहेगा माइनस, बाहर कितना डिफरेंशिएशन आ रहा है माइनस वन, प्लस और माइनस को एक ही चीज से बना सकती है और वो है जीरो। पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स को एक ही नंबर जीरो बनाता है, वो क्या है जीरो, तो वो जीरो यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स, इसको डिफरेंशिएट करोगे 2x माइनस 7, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 14x आ गया, 2x माइनस 14, x इज इक्वल टू 7 पुट करो जीरो, तो राइट हैंड डेरिवेटिव प्लस जीरो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव माइनस जीरो, जीरो माइनस जीरो सेम ही होता है।
क्लियर? हाँ. तो ये एक सिंपल सा कंसेप्ट था, ये थोड़ा आप माइंड में रखना है इसको. सिंपल सा लॉजिक है, रिपीटेड रूट हो बस, चाहे मॉड के अंदर हो कहीं भी हो, रिपीटेड रूट है ग्राफ टच करते हैं, और रिपीटेड रूट नहीं है तो ग्राफ इंटरसेक्ट करते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं सर. हाँ बोलो सर. वो फिर पिछले क्वेश्चन में करेक्शन करना पड़ेगा. कहाँ पे करेक्शन करना पड़ेगा सर? वो पी ऑफ एक्स माइनस क्यू ऑफ एक्स. इसमें क्या करेक्शन है सर? वो सेवन और सेवन वो वाला टच करेगा ना. हाँ तो हम लोगों ने कहाँ यूज किया देखो. हाँ सही है. हाँ चलो इसको मैं अलग से लिख देता हूँ. x is equal to 7 is also repeated. Differentiable. नेक्स्ट एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, काफी क्लासिक क्वेश्चन है ये, मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस बी. डिस्कस डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एफ ऑफ एक्स विद ए एंड बी. मतलब ये और भी वेरिएबल्स है, आपको ए और बी फिक्स करना है एंड देन फिर एफ ऑफ एक्स का ग्राफ कंसीडर करना है. बाकी ये आपको समझ में आ रहा होगा, स्टार्टिंग में एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है और आपने स्टार्टिंग में एक्स को किससे रिप्लेस किया है वहां पे, मॉड एक्स, और फिर कंप्लीट फंक्शन पे मॉडुलस. ठीक है, आप एक्स को रिप्लेस करते हो मॉडुलस ऑफ एक्स से, नेगेटिव एक्स एक्सिस ग्राफ रिमूव और पॉजिटिव का हाँ, और फिर कंप्लीट फंक्शन पे मॉडुलस. कंप्लीट फंक्शन पे मॉडुलस अप्लाई करते हो, एक्स एक्सिस के ऊपर वाला ग्राफ एज इट इज, और बिलो वाले का क्या हो जाता है वहां पे, मिरर इमेज अबाउट एक्स एक्सिस. ठीक है, अभी यहां पे क्या ए और बी कुछ फिक्स नहीं है, बाकी स्टार्टिंग जो फंक्शन रहा होगा दैट विल बी दिस. ये समझ आ रहा है? हाँ ठीक है. देखो बेसिकली ग्राफ बनाना चाह रहे हैं हम लोग, जैसे ये ग्राफ बन गया ऐसे कुछ. अभी आप x को mod x से रिप्लेस करोगे, नेगेटिव x एक्सिस ग्राफ रिमूव, पॉजिटिव का मिरर इमेज, और फिर कंप्लीट फंक्शन पे मॉडुलस अप्लाई करोगे, यानी कि दिस. कितने नॉट डिफरेंशिएबल पॉइंट्स आ रहे हैं? ठीक है, बिल्कुल यही करने वाला है. सपोज करो ग्राफ ऐसा कुछ, ओके x को mod x से रिप्लेस करोगे, नेगेटिव ग्राफ रिमूव, पॉजिटिव का मिरर इमेज, और फिर कंप्लीट फंक्शन पे मॉड, यानी कि x एक्सिस के ऊपर पोर्शन एज इट इज और बिलो का मिरर इमेज. बिलो कुछ है नहीं, मतलब यही. कितने पॉइंट्स पे नॉट डिफरेंशिएबल है? One. तो ये सारी चीजें ए और बी से ही फिक्स होंगी ना. तो क्या लगता है केसेस कैसे कंसीडर करनी चाहिए वो सोच के बताओ. मतलब क्या स्टार्टिंग करूं यहाँ पे, केसेस के लिए क्या करें? रेंडम तो नहीं लिख सकते ना, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव ऐसा कुछ. पहला डी नेगेटिव, फिर डी जीरो एंड डी पॉजिटिव. यार आशुतोष तुम्हारा दिमाग बहुत अच्छे से काम कर रहा है आजकल भाई, क्या बात है. बिल्कुल सही है, मतलब ये ठीक लग रहा है मेरे को कि ऐसा ही कुछ कंसीडर कर लेते हैं. डी पॉजिटिव, डी जीरो और डी नेगेटिव. डी पॉजिटिव के अकॉर्डिंग आपको टू रूट्स मिलने वाले हैं, डी जीरो के अकॉर्डिंग दोनों रूट सेम, और डी नेगेटिव के अकॉर्डिंग कोई भी रूट नहीं है. ठीक है, अच्छा डी पॉजिटिव में आगे दो रूट है, ठीक है, लेकिन दो रूट का कुछ पता नहीं है. हो सकता है बोथ रूट्स आर पॉजिटिव और बोथ रूट्स आर नेगेटिव, या फिर वन रूट पॉजिटिव वन रूट नेगेटिव, और वन पॉजिटिव और वन नेगेटिव में भी दो काफी सारे केसेस, लाइक दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, या फिर पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड ग्रेटर है नेगेटिव के मैग्नीट्यूड से, वो सारी चीजें. तो फर्स्ट केस आपने कंसिडर किया है डी पॉजिटिव. एक सपोज करो ऐसा कुछ लेके चल रहे हैं कि बोथ रूट्स आर पॉजिटिव पॉजिटिव,
अच्छा इसके रूट है अल्फा और बीटा, आपको ए और बी से रिलेट करना है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस ए, ये वैल्यू पॉजिटिव यानी ए विल बी नेगेटिव, अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू बी यानी बी इज पॉजिटिव। हाँ तो ये हो गए दोनों रूट्स पॉजिटिव, यहाँ पे बोथ रूट्स आर नेगेटिव, ठीक है। अभी वन रूट पॉजिटिव वन रूट नेगेटिव विद इक्वल मैग्नीट्यूड, और पॉसिबिलिटी है अगेन वन रूट पॉजिटिव वन रूट नेगेटिव, और सपोज करो पॉजिटिव वाले का मैग्नीट्यूड है ग्रेटर, ये भी पॉसिबल है कि नेगेटिव वाले का रूट ग्रेटर है, मैग्नीट्यूड ज्यादा है यहाँ पर। ये भी पॉसिबल है कि एग्जैक्टली वन रूट क्या हो गया, जीरो, बिल्कुल ठीक, एंड वन पॉजिटिव, ये भी पॉसिबल है कि वन रूट नेगेटिव एट द रूट जीरो, ठीक है। अभी पूरा एक्सप्लेन मतलब पूरा स्टेप्स नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे, x को मॉड x से रिप्लेस करना है और फाइनली कंप्लीट फंक्शन पे मॉड, तो फाइनल ग्राफ सोच लो कैसा आने वाला है, डायरेक्ट वही प्लॉट करते हैं। x को mod x से replace और complete function पे mod, final graph will be like this, इसमें कोई doubt? नहीं। कितने sharp points है? 5, इसका final सोच लो क्या आने वाला है, x को mod x से replace, negative x axis graph remove, positive का mirror image और फिर complete function पे mod, वन शार्प पॉइंट आ गया, करेक्ट है। तो फाइनली ये बनेगा कुछ ऐसा, इसमें कोई डाउट है किसी को आप लोग बोल सकते हो ना, इसमें बताओ x को mod x से रिप्लेस, नेगेटिव ग्राफ रिमूव, पॉजिटिव का मिरर इमेज, देन फाइनल फंक्शन पे मॉड, two sharp points final position will be like this, ये बताओ बना के देखो अपने आप से, फोन फोर तो रॉन्ग आंसर है, तो टू ही आएगा, टू भी रॉन्ग आंसर, थ्री थ्री यार, ये आप अपने आप से कर सकते हो, देखो ना नेगेटिव रिमूव करना है पॉजिटिव का मिरर इमेज, और फिर कंप्लीट फंक्शन पे मॉडुलस यानी कि ग्राफ अबव एक्स एक्सिस एज इट इज, बिलो का मिरर इमेज बनेगा कुछ, फाइनल ग्राफ विल बी लाइक दिस, अगेन ऐसा कोई बहुत स्पेशल कंसेप्ट नहीं चल रहा है ना, सिंपल ही चल रहा है ऐसा। कितने शार्प पॉइंट्स हैं बोलो? 3। हाँ ये बताओ ठीक है, नेगेटिव ग्राफ रिमूव, पॉजिटिव का मिरर इमेज, एंड देन कंप्लीट फंक्शन पे मॉड, तो ये बनेगा कुछ ऐसे,
ये बताओ वन टू थ्री करेक्ट है। ये बताओ ठीक है, टी इज इक्वल टू जीरो में आता है, टी इज इक्वल टू जीरो यानी बोथ रूट्स आर सेम, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो। हाँ तो इसमें काफी कम केसेस है ना, कुछ भी नहीं है इसमें। फाइनल ग्राफ देखते हैं, शार्प पॉइंट्स यहाँ पे, शार्प पॉइंट बताओ यहाँ पे, शार्प पॉइंट बताओ डी नेगेटिव, यानी कि नो रूट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है पॉजिटिव, यानी ग्राफ कंप्लीटली अबव एक्सिस। हाँ तो वर्टेक्स आइदर ऑन पॉजिटिव साइड और कैन बी ऑन नेगेटिव साइड और जीरो। एक्स को मॉड एक्स से रिप्लेस कंप्लीट फंक्शन पे, मॉड नंबर ऑफ शार्प पॉइंट्स। Only one. हाँ यहाँ पे बताओ one. करेक्ट है, यहाँ पे बोलो zero. बिल्कुल। अगेन एग्जाम में इतने सारे ग्राफ नहीं आते, कोई भी एक सिचुएशन देता है आपको, एक सिचुएशन है, दो सिचुएशन है, बाकी मैक्सिमम एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी सच दैट f of x will not be differentiable at 5 points. So favorable cases upon total cases. Favorable cases 5 not differentiable point ka ek hi case hai. Aur total case kitne hai? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 and 13. So 5 not differentiable points ka jo probability hai, wo hai 1 upon 13. बाकी मुझे लग रहा है इसमें सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी जो है वो हर तरफ वन वन जैसे ही दिख रहा जाता है, तो वन का ही आना चाहिए। ठीक है, बाकी कोई भी सिचुएशन प्रोवाइड करता है उसके अकॉर्डिंग फिर क्वेश्चन बनता है, इतने सारे ग्राफ आपको कभी नहीं बनाने होते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन था, कोई डाउट है इसमें बोलो। नहीं सर। D पॉजिटिव यानी a स्क्वायर ग्रेटर देन 4b आ रहा होगा, d जीरो a स्क्वायर इज इक्वल टू 4b आएगा, और d नेगेटिव a स्क्वायर लेस देन 4b आएगा। ठीक है यार, इन सारे ग्राफ को a और b से रिलेट कर सकते हो ना, a रिलेट होता है समेशन से, b रिलेट होता है मल्टीप्लिकेशन से। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखने में आप लोगों को सकता है थोड़ा कॉम्प्लिकेट लगे, बड़ा अजीब क्वेश्चन लगे, लेकिन ये है इजी क्वेश्चन। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। तो f of x is equal to x square minus 3x plus 2 for every value of x belongs to R, f of x आपको already given है, and now g of x is equal to minimum f of t minus 2 t x minus 2 x 0
डिस्कस डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ जी ऑफ एक्स. अगेन यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम ऐसा कुछ होता है ना, ऐसे लर्न मत करना कि पहले मिनिमम फिर मैक्सिमम फिर मिनिमम फिर मैक्सिमम, ऐसा हमेशा होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है. बस ये मिनिमम मैक्सिमम एक अदर वेरिएबल है टी, तो वहां से रिलेट करने का इसको ट्राई करें जी ऑफ एक्स को. बाकी ये है काफी सिंपल, इसको रीड करना सिखाता हूँ पहले आप लोगों को मैं. देखो एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, और एफ ऑफ टी का कुछ मिनिमम मैक्सिमम जैसा है यहाँ पे, टी इस इंटरवल में है और थ्री एक्स से रिलेट कर रहे हैं. ठीक है, समझने का ट्राई करना. एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, तो एफ ऑफ टी यानी कि टी स्क्वायर माइनस थ्री टी प्लस टू सेम वैसे ही बनेगा जैसे एफ ऑफ एक्स था. तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू रूट से इसके एक्स इज इक्वल टू वन एंड एक्स इज इक्वल टू टू, मिनिमम वैल्यू विल बी एट माइनस बी अपॉन टू ए यानी कि थ्री बाई टू, और मिनिमम वैल्यू आता है माइनस का डी अपॉन फोर ए. हाँ, और ये वैल्यू आती है यहाँ पे कितना आएगा, माइनस का वन अपॉन फोर फोर. बिल्कुल थोड़ा सा इसको विड्थ ज्यादा करते हैं इसको. माइनस टू से स्टार्ट होगा चेक. माइनस टू यानी यहाँ कहीं पे. ओके स्टार्ट करते हैं. अब ग्राफ को रीड करना सीखो पहले है ना. तो मिनिमम ऑफ एफ ऑफ टी, एफ ऑफ टी का ब्लू पोर्शन, ब्लू नहीं बोलना चाहिए, क्या है वो देखते हैं. और यहाँ पे है टी माइनस टू टू एक्स, ठीक है, और एक्स है माइनस टू टू जीरो. ठीक है, थोड़ा सा केयरफुली समझने का ट्राई करना, बहुत ही क्लियर वर्ड से बोलता हूँ. माइनस टू टू जीरो, पहले आप एक्स फिक्स करोगे कोई भी एक नंबर, उस नंबर को फिर यहाँ पे पुट करोगे, फिर तुम्हें टी का इंटरवल मिलेगा. ठीक है, माइनस टू टू जीरो में कोई भी एक नंबर, कोई भी एक एक्स, लेट्स से माइनस वन पॉइंट फाइव. ठीक है, तो अभी टी क्या हो गया, माइनस टू टू माइनस टू टू आपको चेक करना है माइनस वन पॉइंट फाइव, यानी कि ये ग्राफ, ये पोर्शन, और इस पोर्शन का क्या मिनिमम, इस पोर्शन में मिनिमम कहाँ पे मिल रहा है, एट टी इज इक्वल टू वन पॉइंट फाइव. सही बात है, यानी इस पॉइंट को मार्क कर दो. ये समझाने में इतना टाइम लग रहा है, बाकी मैक्सिमम 10 सेकंड लगते हैं इसको बनाने में, 10 नहीं तो 20 सेकंड बन जाते हैं. ठीक है, और कोई वैल्यू पुट करो, लेट्स से माइनस 1.6 पुट करते हैं, x इज इक्वल टू, तो अभी t हो गया माइनस 2 2 माइनस 1.6 माइनस 1.6, तो माइनस 2 यहाँ पे माइनस 1.6 यहाँ पे. ठीक है, आपको चेक करना है t माइनस टू टू माइनस 1.6 यानी कि दिस पोर्शन और इस पोर्शन का क्या मिनिमम, मिनिमम तो कहाँ पे मिल रहा है मिनिमम, माइनस टू या माइनस 1.6 पे, माइनस 1.6 पे. ये मार्क कर दो. सपोज करो आप माइनस 1 पुट करते हो तो t हो x की वैल्यू है ना, तो t हो गया अभी माइनस टू टू माइनस 1, माइनस टू टू माइनस 1 यानी कि दिस पोर्शन, और दिस पोर्शन का मिनिमम वैल्यू एट टी इज इक्वल टू माइनस 1, तो माइनस 1 वाला पॉइंट मार्क कर दो. आप
कहां तक आई है, जीरो तक। अच्छा x इज इक्वल टू जीरो पुट करते हूँ तो t हो गया माइनस टू टू जीरो, माइनस टू टू जीरो मिनिमम वैल्यू कहां पे आ रही है, जीरो। मतलब जो आप पॉइंट यूज कर रहे हो ना उसी पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू आ रही है, समझ आ रहा है आपको। तो ये पूरा पोर्शन एज इट इज मार्क हो गया। ये हो गया इस ग्राफ को रीड करने का रिजल्ट। एक पॉइंट और x जीरो यूज नहीं कर सकते तो यहां पे क्या लगा दो, सही है। नेक्स्ट अभी देखते हैं x जीरो टू वन, ठीक है। अभी की वैल्यू पुट करोगे ना इजीली समझ आ जाएगा तुम्हें। x है जीरो टू वन, कोई भी एक नंबर ले लो जीरो टू वन में। प्रथमेश कोई भी एक नंबर बताओ जीरो टू वन में। जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट फाइव ले लेते हैं x। तो t है जीरो टू जीरो पॉइंट फाइव, जीरो टू जीरो, जीरो टू जीरो पॉइंट फाइव, t है 0 टू 0.5 यानी कि दिस पोर्शन ना, दिस पोर्शन। और दिस पोर्शन का क्या मैक्सिमम वैल्यू, 0 टू 0.5 में मैक्सिमम वैल्यू विल बी एट t इज इक्वल टू 0 100%। यानी कि 0.5 पे आपको 0.5 वाला पॉइंट यूज नहीं करना है, कौन सा पॉइंट यूज करना है, t इज इक्वल टू 0। सपोज करो आप 0.4 पुट करते हो, 0.4 तो t हो गया 0 टू 0.4, 0 टू 0.4, 0 टू 0.4 मैक्सिमम कहां पे आ रहा है, 0। ये आ गया, समझ गए। हां सपोज करो आप 1 यूज करते हो अभी, तो t हो गया 0 टू 1, 0 टू 1 मैक्सिमम चेक करना था ना, क्यों करना था, क्योंकि लिखा हुआ है मैक्सिमम पे। मैक्सिमम कहां पे आ रहा है बोलो, जीरो भी आ रहा है। ये जो जीरो वाला आउटपुट है ना ये कंटिन्यू होगा यहाँ पे, ये समझ गए तुम। हाँ सपोज करो इस मैक्सिमम की जगह पे मिनिमम लिखा होता तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक आप जो पॉइंट कंसीडर करोगे ना उसी पे मिनिमम आ जाएगा। हाँ ठीक है, तो ये ग्राफ हो गया। अगेन यहाँ पे भी होलो सर्कल ही है तो इसको होलो सर्कल बनाते हैं। नेक्स्ट 1 2 3/2 यानी कि 1 to 1.5, 1.2 सेलेक्ट कर रहे हैं ना 1.2, तो कहाँ चला गया ये रहा। अभी ध्यान रखना x पहले इन दोनों के अंदर, x राइट साइड में था, अभी x लेफ्ट साइड में, तो जो लिखा हुआ है उसी को रीड करना, अपने आप से कुछ मत बनाना है, और जो लिखा हुआ है उसको केयरफुल रीड करना। तो सपोज करो x है 1.2, अभी t क्या हो गया 1.22 मिनिमम कहां पे आ रहा है बोलो, 1.5 पे। तो बेसिकली 1.2 पे जो आउटपुट है ना वो 1.5 वाला यूज करोगे आप, समझ गए। सपोज करो 1.4 यूज करते हैं x, तो t हो गया अभी 1.42 समझ रहे हो ना, 1.4 यहाँ पे आएगा, ज्यादा बना रही नहीं वरना फिर वो ग्राफ थोड़ा सा भरा हुआ दिखता है। 1.4 to 1.5 मिनिमम कहाँ पे आ रहा है बोलो, 1.5 3/2। हाँ यानी यहाँ पे भी आपको ये 3/2 वाला आउटपुट ही यूज करना है, ठीक है। ये था 1 2, सपोज करो x इज इक्वल टू 1 यूज करते हैं तो t हो गया 1 to 1.5। अच्छा मैक्सिमम होता है तो कौन सा आउटपुट यूज करते हैं, ये 1 वाला ही आता है ना। हाँ वही ठीक है, लेकिन अभी है मिनिमम तो 1 भी आप यूज करते हो तो t बिलोंग्स टू 1 to 1.5 मिनिमम एट t इज इक्वल टू 1.5 यानी कि 1 पे भी ये 1.5 वाला ही आउटपुट यूज करना है। हां ठीक है, तो इसका मतलब ये आउटपुट यूज करना है यहां तक, समझ गए। हां सर। नेक्स्ट आते हैं 3/2 to 2, लेट्स से 1.6। अभी t हो गया 1.5, इसको रीड करो थोड़ा ध्यान से ना, इसको गलत रीड मत कर लेना यार, 1.6 to 2 ऐसा रीड मत करना है ना, जो है वही रीड करना।
तो ये है 1.5 to 1.6 मैक्सिमम 1.5 टू 1.6 मैक्सिमम किस पे आ रहा है बोलो 1.7 यूज करते हैं तो अभी एक टी होगा 1.5 टू 1.7 मैक्सिमम कहां पे आ रहा है बोलो 1.7 1.8 यूज करते हो तो भी 1.5 से 1.7 मैक्सिमम 1.7 मतलब यही ग्राफ रिपीट हो गया आगे सॉरी ये ग्राफ कंटिन्यू हो गया समझ गए और ये जो होलो पॉइंट था ये फिल हो गया अभी अच्छा ये पॉइंट क्या लगता है आपको शार्प पॉइंट या ऑर्डिनरी पॉइंट ऑर्डिनरी ये ऑर्डिनरी पॉइंट है ध्यान रखना ना क्योंकि ये जीरो स्लोप था यहाँ पे ये उसी में कंटिन्यू हो रहा है ठीक है नेक्स्ट देखते हैं 2 to 3 में देखते हैं ना 2 to 3 थ्री ओके यानी कि जीरो वाला ही टू टू थ्री 2.1 यूज करो तो टी है अभी नॉट 2 to 2.1 टी है 2.12 2.123 यानी कि दिस ग्राफ मैक्सिमम और मिनिमम मैक्सिमम कहाँ पे मिल रहा है बोलो 3 यानी कि 2.1 पे आप आउटपुट यूज करोगे जो 3 पे आ रहा है सपोज करो 2.2 यूज करते हैं तो टी हो गया 2.223 2.2 इधर कहीं पे आएगा 2.223 मैक्सिमम कहाँ पे आ रहा है बोलो 3 पर हाँ इसका मतलब बार बार 3 वाली वैल्यू भी यूज होगी क्लियर हो गया हाँ यानी कि दिस पोर्शन अब इसको देख के बता दो यार कि कितनी जगह पे आपको नॉट डिफरेंशिएबल दिख रहा है वन यहाँ पे टू और यहाँ पे थ्री पॉइंट्स करेक्ट टी इज इक्वल टू जीरो और वन एंड देन कोई डाउट है इसमें बताओ यहां से वैल्यू उठाओ यहां पे पुट करो और चेक कर लो केयरफुली रहने वाला क्वेश्चन है थोड़ा पेशेंस रखने वाला क्वेश्चन है बस चलो एक क्वेश्चन और करते हैं इसके ऊपर अपने आप से ट्राई करो आप लोग ठीक है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सेम ही एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू काम करते हैं स्लो कॉपी कर लेते हैं क्वेश्चन नोट करो करो ये क्वेश्चन ट्राई करो
सर 4 पॉइंट्स पर नॉट डिफरेंशिएबल 4 पॉइंट्स आ रहे हैं क्या देखते हैं ओके सो एक्स है माइनस टू टू जीरो कोई भी एक नंबर सेलेक्ट माइनस वन टी हो गया माइनस टू टू माइनस वन यानी कि दिस पोर्शन मैक्सिमम और मिनिमम मैक्सिमम यानी कि तुम कोई भी नंबर सेलेक्ट करते हो सपोज करो माइनस पॉइंट फाइव सेलेक्ट करते हैं तो टी होगा माइनस टू टू माइनस पॉइंट फाइव मैक्सिमम विल बी एट टी इज इक्वल टू -2 यही वाला पोर्शन कंटिन्यू इसमें कोई डाउट नहीं सर ठीक है 0 टू 1 में देखते हैं अभी 0 टू 1 कोई भी एक नंबर सेलेक्ट 0.2 जैसे t हो गया अभी 0.2 to 0.1 मिनिमम कहां पे आ रहा है 1 पे ठीक है यानी कि 0.2 पे जो आउटपुट है दैट विल बी ऑफ t इज इक्वल टू 1 ठीक है सपोज करो आप एक और सेलेक्ट कर लेते हैं कंफ्यूजन हट जाएगा वहां से ना एक 0.4 ले लो तो 0.4 लोगे तो अभी t है 0.4 से 1 मिनिमम अगेन मिनिमम एट 1 तो ये पोर्शन सर ठीक है 1 to 1.5 कोई भी एक नंबर 1.2 टी हो गया अभी 1 to 1.2 और ये है मिनिमम एट 1.3 यूज करते हो तो टी होगा 1 to 1.3 और ये लिखा हुआ है मिनिमम है ना तो 1 to 1.3 मिनिमम एट 1.3 फिर 1.4 यूज करोगे तो मिनिमम 1.4 पे ही आने वाला है तो आप जो कंसीडर करते हो उसकी पे मिनिमम यानी अब ये ग्राफ ये जो होलो था ना ये फिल हो गया है अभी और ये ग्राफ एज इट इज कंटिन्यू आगे देखते हैं वन पॉइंट फाइव टू टू 1.6 सेलेक्ट टी हो गया 1.62 मैक्सिमम एट 1.7 सेलेक्ट करते हो तो फिर t 1.722 अगेन मैक्सिमम 2 पे ही है यानी आपको 2 वाली वैल्यू कंटिन्यू करनी है और अभी देखते हैं 2 to 3 में तो 2 to 3 में कोई भी एक नंबर 2.1 ले लो तो t हो गया 2.123 मिनिमम एट 2.2 सेलेक्ट करता है तो t होगा 2.223 मिनिमम एट 2.4 सेलेक्ट करते हो तो 2.423 मिनिमम एट 2.4 मतलब जो आप सेलेक्ट करते हो ना उसी पे मिनिमम है समझ गए हाँ तो फाइनल ग्राफ विल बी दिस बस ये आप देख लो यार आप इसको कितनी जगह पे ये आपको शार्प पॉइंट्स और डिसकंटिन्यूअस दिख रहा है तो नॉट डिफरेंशिएबल एट 1 2 3 एंड
4 points. At x is equal to 0, 1, 1.5 and 2. अच्छा question ये होता discontinuous, तो क्या answer आता बोलो? Two points, x is equal to 0 and 1.5. Correct. दोनों में ही किस टाइप का discontinuity? Non-removable and finite. बिल्कुल करेक्ट. यहाँ पे भी discontinuous है 2 points. Okay. तो इस क्वेश्चन में डाउट था किसी को बताओ? तो अभी तक हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस किए थे वो सब ग्राफिकल बेस्ड थे. मतलब देख लो तुम्हें समझ में आ रहा होगा हर क्वेश्चन के अंदर ग्राफ बना है और शार्प पॉइंट्स ही हम लोग काउंट कर रहे थे तब से. ठीक है कि कितने शार्प पॉइंट. स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चंस किए थे जिनमें ग्राफ वगैरह नहीं बनाना था, जस्ट कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी की दो इक्वेशंस. उसके बाद काफी सारे क्वेश्चंस थे उनमें शार्प पॉइंट. ओके अब हम लोग वो क्वेश्चंस करने वाले हैं जहां पे अच्छा तुम्हें एक चीज समझ में आ रही होगी यार ना, इतने सारे क्वेश्चंस के किसी में भी लिमिट वाली फॉर्म नहीं बन रही थी जहां पे आपको लिमिट ही चेक करना पड़े. ऐसा कोई क्वेश्चन था क्या कि जो 0/0 या इनफिनिटी अपॉन इनफिनिटी ऐसा कुछ फॉर्म बन रहा हो? तो अब डिफरेंशिएबिलिटी में सेकंड टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जहां पे प्रॉपर फॉर्म्स बनती हैं और वहां पे डिफरेंशिएशन करके वैल्यू पुट नहीं कर पाओगे यार ना, क्योंकि इस पर डिफाइन ही नहीं होगा. जैसे कोई ये बोलता है कि x square minus 9 upon x minus 3, इसमें x is equal to 3 पे डिफरेंशिएट करो, नहीं कर पाओगे क्योंकि डिफरेंशिएट अभी तो खैर चलो ये कैंसिल वगैरह हो रहा है अच्छी बात है, लेकिन आप इसको डिफरेंशिएट करते हो ना तो डिनोमिनेटर में फिर से x minus 3 का फैक्टर ही आएगा. तो बेसिकली सारे लिमिट्स वाले फॉर्म होते हैं और वहां पे राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जनरली हम लोग डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना प्रेफर नहीं करते क्योंकि उसका बेनिफिट ही नहीं होगा. वहां पे आप ये एक्सप्रेशन यूज करते हो. तो इस चैप्टर के अंदर सेकंड टाइप के क्वेश्चंस में ये एक्सप्रेशंस हम लोग यूज करते हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टर्म पे. ठीक है और कोई डाउट है इसमें बोलो? वो भी काफी इजी क्वेश्चंस ही होते हैं, टफ नहीं होता है. सिंपल सिंपल से फॉर्म बनते हैं, कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं, उनकी लिमिट्स वगैरह कैलकुलेट कर लेते हैं, हो गया. तो इस चैप्टर में और कोई डाउट है किसी को तो आप लोग बोल सकते हो, इसके अलावा भी और कोई डाउट है तो भी बोल सकते हो. सर शीट में एक डाउट है. शीट में एक डाउट है, डिस्कस करते हैं. एक सेकंड रुको, शीट निकालो. क्या डाउट है बताओ? एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन बी का बी 2 का फर्स्ट. एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन बी ये बोल रहे हो क्या? पार्ट 2? हाँ नहीं पार्ट 1 ही. पार्ट एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर बी 2 बी 2 का फर्स्ट. ये क्वेश्चन क्या? हाँ सर. बेटा तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना, साइन और टेन इनवर्स और साइन इनवर्स और साइन टेन, साइन इनवर्स और टेन इनवर्स, इन तीनों के, इन चारों के स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं. 3x 3x मल्टीप्लाई 3, टेन इनवर्स 2x 2x मल्टीप्लाई 2x, ये वैल्यू हो गया 1, ये वैल्यू हो गया 1, आंसर है कितना? 3/2. बस आंसर आ गया. हाँ सर वही मैंने ये किया था, पीछे फिर रॉन्ग होगा शायद. हाँ तो पीछे रॉन्ग हो सकता है, इसको तुम करेक्ट कर. ठीक है. हाँ सर और क्या डाउट है आप पूछो? सेक्शन सी में है कैसे? सेक्शन सी में क्या डाउट है बताओ?
सेक्शन से में वो C4 वाला लिमिट n टेंडिंग टू इनफिनिटी दिस ईयर ये आपको बताया था ये सैंडविच थ्योरम से रिलेटेड है अभी ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x ये ग्रेटर देन होता है x माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू x प्लस 1 हाँ ऐसा सबके लिए डिफाइन करोगे ठीक है तो 1 into 3x less than equal to greater than 1 into 3x minus 1 यहाँ पे 1 into 3x और जस्ट इतना ही ठीक है फिर ऐसा सबके लिए डिफाइन करके उन सबको ऐड करोगे तो देखो लेफ्ट साइड में आपको एक्सप्रेशन मिलने वाला है दिस 1 into 3x plus 2 into 4x इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यार ना चलो पहले टर्म ही लिख देते हैं 1 into 3 plus 2 into 4 1, 2, 3 और 2 का डिफरेंस है 3 into 5 and so on और ये हो गया n into n plus 2 या फिर डायरेक्ट ऐसा ही लिख लो सिग्मा r into r plus 2 r is equal to 1 to n तक x और 1 n times minus less than फिर यहाँ पे ये एक्सप्रेशन और राइट साइड में फिर ये एक्सप्रेशन सिग्मा x बाहर r is equal to 1 to n plus 2 डिवाइड में है n cube पॉजिटिव है डिवाइड करोगे सैंडविच के अकॉर्डिंग मतलब सॉरी सैंडविच के अकॉर्डिंग अब तुम ये लिमिट चेक करोगे और सपोज करो कोइंसिडेंटली दोनों सेम आ जाते हैं तो इसका मतलब भी इसका लिमिट वही है ठीक है तो ये है लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी डिवाइड में है n cube माइनस का n बाहर है x और ये हो गया r स्क्वायर प्लस 2R n tending to है infinity maximum power ही dominate करता है divide में है n cube suppose करो ऊपर maximum power केवल n square आता है कितना answer आएगा 0 ऊपर maximum power into the power 4 आता है तो कितना answer आएगा infinite और ऊपर maximum power n cube आता है then answer 1 अरे 1 नहीं पागल coefficients का ratio हाँ ठीक है तो x बाहर और ये है सिग्मा r स्क्वायर सबको पता है सिग्मा r स्क्वायर में n क्यूब का टर्म आता है और कोफिशिएंट कितना आता है 1/3 तो ये हो गया x अपॉन 3 ये n कोई यूज का नहीं है यहाँ पे भी x अपॉन 3 लेफ्ट राइट दोनों x अपॉन 3 सेम फाइनल आंसर x अपॉन 3 हो गया क्वेश्चन सर नेक्स्ट बताओ आप लोग कंटिन्यूटी कंप्लीट कर लो यार है ना एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 सेक्शन डी थोड़ा टाइम निकालो पढ़ने के लिए इजी रहेगा तुम लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेगा इस चीज को समझने का ट्राई करो थोड़ा यार है ना बाद में फिर कॉम्प्लिकेशंस इतने सारे हो जाते हैं कि हम लोगों को फिर पूछना पड़ता है लोगों से कि भाई अब क्या करें अब क्या करें तो बेस्ट ऐसा है कि काम ऐसा करो कि कोई दिक्कत ही ना हो बाद में एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 इसमें भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं तो ये भी आप कर सकते हो कंटिन्यूटी के जितने भी क्वेश्चंस दिख रहे हैं आपको अप टू क्वेश्चन नंबर अब तो क्या डिफरेंशिएबिलिटी भी पढ़ लिया है जैसे ये क्वेश्चन x स्क्वायर x माइनस 1 होल स्क्वायर 2x और x माइनस 1 दिख रहा है सभी को कि x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1 पे ही नॉट डिफरेंशिएबल है क्योंकि वो नॉन रिपीटेड रूट्स हैं सॉरी x इज इक्वल टू 1 तो रिपीटेड आ जाएगा खैर उसे कर नहीं पाओगे तीन फंक्शन है तीनों के ग्राफ बनाने पड़ेंगे और वैसे भी डिफरेंस नहीं है ठीक है तो क्वेश्चन नंबर 17 तक एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में आप सॉल्व कर सकते हो बाकी एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 सेक्शन ए बी सी डी ये कंप्लीट करके रखो ओके चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टर्म पे बाय बाय ओके